सल्ला बहुत मेहरबान है, दिलों के हाल जानने वाला है, कितना रहमान और रहीम है। भाई तुम्हारे जैसा ही लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं। तुम्हारी मोहब्बत सच्ची थी ना, तो भाई का साथ तुम्हें मिल गया। पता नहीं, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि आखिर मैंने ऐसी क्या नेकी की इसके बदले में मुझे मोमिन का साथ ही मिल गया। क्योंकि मैं तो जब भी पलट के देखती हूँ, सिवाय कोताहियों के और गलतियों के, मुझे मेरे दामन में कुछ नजर नहीं आता। पापा, मम्मी कह रही वलीद भाई बोर हो रहे हैं। होने दो बोर अपने वलीद भाई को, मुझे माया से बातें करने दो। माया जरा बताओ, ये लड़की कुछ काम वाम भी करती है या सिर्फ अपने नए एग्जाम्स के चक्करों में है? भाभी बहुत अच्छी हैं, एक काम नहीं करने देती मुझे। धर्म करो, काम से तो तुम्हारी वैसे ही जान जाती है। अच्छा छोड़ो, डांटो नहीं उसको। मैं पूरा दिन बोर होती रहती हूँ ना, इसीलिए आंटी के साथ लगी रहती हूँ। इसी बहाने कुछ ढंग से काम भी करना सीख लिया है मैंने। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? बस देख रही हूँ, तुम वही माया हो जिसके घर मैंने कदम रखा था तो सोचा था किस दुनिया में आ गई। तुमने तो ये भी सोचा होगा ना, ये कोई बिगड़ी हुई अमीर जाती है जो अपनी दौलत की चकाचौंध पर गुरूर करती है। सच बताऊं, यही सोचा था मैंने। भाई तुमसे एक बात पूछूं, जब तुम मेरे घर आई थी, तुम्हें मेरे घर में तन्हाई और वो वीरानी महसूस हुई थी जो मेरी जान ले रही थी? क्योंकि उस घर में सब कुछ था, सुकून नहीं था, मोहब्बत नहीं थी। और जब से मैं यहां आई हूं, मैंने अपनी जिंदगी का असल मफहूम यहीं पाया। एनी, बेटा तुम भी यहाँ आकर बैठ गई। मम्मी बस हम बाहर ही आ रहे थे। लेकिन आज तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। नहीं अम्मी, वो वलीद के रिलेटिव्स के यहाँ दावत है आज, तो फिर कभी आ जाएंगे। चलो चलो ना, तुम तो आओ। ये भाई कहाँ रह गए हैं? उन्होंने तो कहा था अभी आ रहा हूँ वापस। नहीं मैं कॉल करती हूँ। फोन नहीं उठा रहे, मुझे लगता है रास्ते में होंगे। हो सकता है।